अगर आपको फोन पे के अंदर रिचार्ज करते समय इस तरीके से लिखा आता है नो एक्टिव वैलिडिटी प्लान फाउंड, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम कोई डाटा टॉपअप वगैरह करने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से लिखा आता है। अब किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करोगे, किस तरीके से आप सिर्फ इंटरनेट वाला पैकेज मारोगे और आपका दूसरा आपको कॉलिंग वगैरह की पैकेज नहीं लगानी पड़ेगी, तो वीडियो को आप यहाँ पे बड़ा ध्यान से समझिए और सब कुछ आपको यहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नो एक्टिव वैलिडिटी पैक, मतलब यहाँ पे जब तक आपके पास वैलिडिटी पैक नहीं रहेगा तब तक आप जो है डाटा एड ऑन मतलब सिर्फ डाटा का पैक यूज़ नहीं कर सकते। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि आप यूज़ नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या बताता है, जैसे मैं अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बताता है 239 यानी 239 और उससे ज़्यादा का अगर आप पैकेज कोई भी करवाते हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे देखिए हमें डाटा एड ऑन ही करना है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे छोटे छोटे पैक हम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे 25 हो 15 हो, यहाँ पे आपको जो है पैकेज करवाना होगा वो है एक तो 241 रुपये का, ठीक है। ये देखिए 241 का जो पैकेज है वो आपको अपने फ़ोन के अंदर फ़ोन पे के अंदर बेसिकली करवाना होगा 241 का, या फिर लास्ट वाला यही है 381 का भी आप ये वाला अगर आप करते हैं तो ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं, मतलब लास्ट वाला जो है यहाँ पे जो बताता है उस हिसाब से आपको जो है अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो 181 वाला आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये पैक आप लगा सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, 30 GB डेटा आपको मिलेगा, 30 दिनों की वैलिडिटी भी मिलेगी और इसका यूज़ आप 30 दिनों तक बिना कोई अनलिमिटेड पैक के कर सकते हैं कॉलिंग के, ठीक है। तो इसे आप लास्ट वाला लगा सकते हैं अगर आपको ऐड ऑन ही करना है तो 181 का आपके लिए लास्ट है। यहाँ पे अगर आपको वीडियो समझ में आती है और अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।